नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। सुना था कभी किसी से ये दुनिया मोहब्बत से चलती है, करीब से जाना तो समझें ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, बस जरूरत से चलती है। अक्सर सूखे हुए होठों से ही होती है मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो अल्फाज और लोग दोनों बदल जाते हैं। मुझे किसी को मतलबी कहने का कोई हक नहीं, मैं तो खुद अपने रब को मुसीबतों में ही याद करता हूँ। दोस्तों, कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। दोस्तों, ये स्वार्थ की दुनिया है और इस स्वार्थ की दुनिया में अच्छाइयाँ ऐसी खो जाती है जैसे समुंदर में नदियाँ। भाई भाई के बीच मन मुठाओ और स्वार्थ का त्याग कीजिए, नहीं तो आपका घर नरक बन जाएगा। भाई के प्रति प्रेम और त्याग की भावना अपनाइए, घर का स्वर्ग सुरक्षित रहेगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, इसमें अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी और आप अपने कार्य संबंधी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से इसमें बना पाएंगे। दोस्तों, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी आपका समय इसमें व्यतीत होगा और आप अधिक आत्मिक सुखों का भी इसमें आनंद लेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, संतान को करियर संबंधी कुछ तनाव रह सकता है, इसमें उनका आत्मबल बनाए रखने के लिए आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों, ससुराल पक्ष से संबंधों में खटास न आने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपके लिए समय होंगे। फिलहाल आप केवल अपने ही बारे में सोचने की वजह से दूसरों के विचारों को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जितनी परिस्थिति आप पर नकारात्मक तरीके से देख रही है, उतना ही प्रयत्न परिस्थिति को सकारात्मक बनाने के लिए किया जाए तो दोस्तों, ये समय फर्क जरूर महसूस होगा। आपको खुद के अंदर जो है इमोशनल मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। दोस्तों, दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेगी, परंतु व्यस्तता के बावजूद भी आपको अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाकर रखें, यह संपर्क आपके लिए बहुत ही सुगंधदायक रहेंगे। दोस्तों, किसी मित्र से इसमें खूबसूरत उपहार भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें बिना किसी मतलब के दूसरों की परेशानियों में ना उलझें, इसे दोस्तों आपका ही नुकसान होगा। कोई अप्रिय घटना घटने से अस्वाद और भय जैसी स्थिति मन में आपके मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। दोस्तों, यश में आपको अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। दोस्तों, भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुलन बनाने की कोशिश आपके लिए सफल होंगे और दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात आपको आनंद देगी। अचानक से कोई सकारात्मक बात पता चलने की वजह से परिवार में भी खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी बातों में यह समय प्रगति नजर आएंगी, जिससे दोस्तों आपका मन भी यह समय प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, कुछ दिनों से चली आ रही व्यस्तम दिनचर्या से भी सुकून पाने के लिए यह समय अध्यात्म और धार्मिक स्थल पर समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सुकून पाएंगे। दोस्तों, कोई पुराना दिया हुआ उधार पैसा भी यह समय आपको वापस मिल सकता है, जिससे दोस्तों आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत होगी। साथ ही दोस्तों, यश में राजनीतिक लोगों तथा इससे जुड़ी गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए आपकी मान हानि होने से बचाएंगे। दोस्तों, भाइयों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की तरफ जो है अधिक ध्यान देने की यश में जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दोस्तों आपको मानसिक स्थिरता और समाधान प्राप्त होगा। दोस्तों, यश में अधिकतर परिस्थिति आपके पक्ष में होने की वजह से काम को आप अपने मन के हिसाब से कर पाएंगे। दोस्तों, आसपास के लोगों पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहेगा। परिवार की किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण काम में जो है मदद प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे,
दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी और अधिक आपकी रुचि रहेगी। दोस्तों साथ ही पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में भी संतुलन बनाकर रखना घर में खुशनुमा माहौल व्याप्त करेगा। युवा वर्ग करियर संबंधी संभावनाओं का बेहतर तरीके से चुनाव करने में भी इसमें सफल रहेंगे। परंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि किसी नुकसान या फिर साजिश का शिकार आप हो सकते हैं। बेहतर होगा कि दोस्तों किसी भी अजनबी व्यक्ति से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। दोस्तों यश में रिस्क की प्रवृत्ति जैसे जुआ सट्टा आदि से आप दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जैसे होंगे काम से जुड़ी बातों में फायदे संबंधी किसी जो है तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों उस तकलीफ को दूर करने के लिए मित्र परिवार द्वारा आपको मदद भी प्राप्त होगी। दोस्तों आर्थिक व्यवहार में मित्र द्वारा फंसाया जाना आपके लिए सदमा हो सकता है। व्यक्ति की योग्य परख करना आपको यश में सीखना होगा। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में काम काज में कोई खास सफलता तो नहीं मिलेगी, परंतु दोस्तों फिर भी वर्तमान कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहेंगे। किसी कर्मचारी के साथ चल रहे तनाव को भी यश में किसी की मदद से हल हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति को भी अपने कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ सकती है, अधिकारियों की आप यश में मदद जरूर लें, इनसे आप अपने दिक्कत को हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में साझेदारी से जुड़े कारोबार में अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। जरा सी असावधानी की वजह से जो है संबंधों में खटास आ सकती है। प्रेम संबंध यश में काफी हद तक सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित काम यश में सफल रहेंगे। ऑफिस का माहौल भी यश में खुशनुमा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों मशीनरी आदि से जुड़े बिजनेस में नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। दोस्तों यश में अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। दोस्तों किसी प्रकार की व्यवसाय की यात्रा यश में फायदेमंद साबित होगी। ऑफिस में अपने बॉस और अपने अधिकारियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट संबंधी बिजनेस में बेहतरीन लाभ होने की संभावना बन रही है। नए जनसंपर्क आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस पर दोबारा से गंभीरता से विचार विमर्श जरूर करें, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों काम संबंधी बातों में पैसे की वजह से कुछ रुकावटें भी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पुराने मित्र से हुआ परिचय एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच संबंध यश में मधुर रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए कोई विवाह संबंधी उत्तम प्रस्ताव भी यश में आपको मिल सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी की सलाह व फिर सहयोग आपके मनोबल व फिर कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय यश में नष्ट ना करें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों विवाहित जीवन यश में सुखद रहेगा। जीवन साथी और बच्चों के साथ समय को व्यतीत करने से तनाव को यश में आप दूर कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों विवाहित जीवन यश में सुखद रहेगा, लेकिन विवाहतर संबंधों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों इनका नकारात्मक प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकती है, जिनसे दोस्तों आपके घर की सुख शांति यश में नष्ट भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में गिरने या फिर चोट लगने की आशंका लग रही है, सावधान रहें। दोस्तों शारीरिक कमजोरी भी आपको यश में महसूस हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्यक होंगे। साथ ही दोस्तों यश में तनावपूर्ण स्थितियों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि दोस्तों इनका असर आपके कार्य क्षमता पर भी और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों गैस व फिर बदहजमी की वजह से सिर दर्द और वाम की स्थिति रह सकती है। दोस्तों सुपाच्य खान पान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।